तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप लोग सबसे अच्छा और सिंपल सा आयरन फार्म बना सकते हो। और ये वाला फार्म बस जावडिशन में काम करता है और सबसे अच्छा फार्म है बिगिनर्स के लिए। और इसका मतलब आप गेम की शुरुआत में ही बहुत सारे आयरन ले सकते हो। और अभी देखो इधर आयरन गोलम मर रहा है और मेरे को अभी 5 से 10 मिनट ही हुए होंगे गेम खेले। और ये देखो कितना सारा आयरन आ चुका है। और आयरन फार्म बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कुछ सामान चाहिए होगा। पहले तो आपको वॉल चाहिए होगी, उसके बाद कोई भी ब्लॉक चाहिए होगा, उसके बाद आपको 3 साइन चाहिए होंगे, पता नहीं मैंने 2 क्यों लिए हैं। उसके बाद आपको होपर चाहिए होंगे, एक वाटर बकेट चाहिए होगी, उसके बाद आपको 5 विलेजर चाहिए होंगे, एक लावा बकेट चाहिए होगी, 3 या फिर 4 टॉर्चेस चाहिए होंगी, उसके बाद 28 लीव्स चाहिए होंगे, उसके बाद थोड़े से स्लैब चाहिए होंगे, उसके बाद आपको 7 बेड चाहिए होंगे और 2 चेस्ट चाहिए होंगी। और हाँ, ये वाला आयरन फार्म बनाने के लिए आपको 300 या फिर 400 ब्लॉक दूर रहना है विलेज से, या फिर 200 या फिर 100 ब्लॉक भी रह सकते हो। तभी फार्म बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको 7 ब्लॉक ऐसे तोड़ने हैं। अब उसके बाद आपको 2 ब्लॉक ऐसे आगे तोड़ने हैं। उसके बाद आपको पूरी ऊपर वाली लेयर तोड़ देनी है। फिर आपको 3 ब्लॉक ऐसे नीचे के लिए तोड़ देने हैं। फिर उसके बाद आपको सारे अंदर के ब्लॉक तोड़ देने हैं। अरे यार, मेरे को वीडियो बनाने दो, बाद में जितना मर्जी आया ना। अब आपको ये वाली साइड में कुछ ऐसे बेड लगा देने हैं एंड उसके बाद बेड के एकदम पीछे स्लैब लगा लेने हैं। अब उसके बाद आपको इधर टॉर्चेस लगा देनी है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन ना हो अंदर। उसके बाद आपको ऊपर आना है और कुछ ऐसे ब्लॉक तोड़ने हैं। उसके बाद आपको ऐसे चेस्ट लगानी है और साथ में हॉपर अटैच कर देने हैं। अब उसके बाद आपको अंदर विलेजर लाने हैं। आप 2 तरीकों से विलेजर ला सकते हो, एक तो बोट से ला सकते हो जहाँ पे आपको बोट से विलेजर लाना है, और एक माइनकार्ट से ला सकते हो, तो आप बोट वाला चूज करना। और अगर आप F3+B दबाओगे तो फिर सारे एंटिटी की हिटबॉक्स आ जाएगी और उसके बाद आप माइनकार्ट या फिर बोट आराम से तोड़ सकते हो। और ऐसे कर करके आपको इधर 5 विलेजर कर देने हैं। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? मतलब विलेजर लाने हैं। विलेजर लाने के बाद आपको कोई भी ब्लॉक से ऊपर छत बना देनी है। छत बनाने के बाद आपको वॉल से सब कुछ कवर कर देना है। और आपको ये वाले वॉल की हाइट 3 ब्लॉक रखनी है। उसके बाद आपको इधर 3 सेंट प्लेस करने हैं। उसके बाद इधर लावा भर देना है और इधर पानी फेंक देना है। उसके बाद आपको बाहर आना है और एकदम बीच में 7 लीव्स लगा देने हैं। और आपको सारे डायरेक्शंस में ऐसे करना है। उसके बाद आपको अंदर के सारे गैप्स भर देने हैं। ओ हेलो भाई, तू कहाँ से आ गया? अभी तो मैंने बनाया भी नहीं है। तो उससे पता चल चुका है कि मेरा आयरन फार्म काम कर रहा है। और लीव्स लगाने के बाद हमारा सारा का सारा आयरन फार्म कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, ये माइनक्राफ्ट का पहला दिन नहीं चलेगा। जब विलेजर सारे सो जाएंगे और फिर से उठेंगे तो फिर आयरन गोलम स्पॉन होने शुरू होंगे और इधर आयरन गोलम के साथ साथ बिल्लियां भी स्पॉन होंगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। और हाँ गाइस, एक और बात कहनी है, तो मेरे अभी एग्जाम भी चल रहे हैं तो इसलिए मैं ज्यादातर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा, और ये वाले वीडियो बनाने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा टाइम निकालना पड़ा, तो इसलिए 1 लाइक तो बनता है यार। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर, अब मैं जा रहा हूँ भाई।